नमस्कार, NN24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। अपने वतन छोड़ खाड़ी देशों में रोजगार की तलाश करने वालों के लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। अमेठी जिले के फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी मोहम्मद अनीस की माली हालत ठीक नहीं थी। वो कुवैत कमाने गया था और यहाँ बुरी तरह फंस गया। उसने वहाँ से एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि उसे न तनख्वाह दी जा रही है, न खाना, और उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित अनीस ने वीडियो में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अमेठी सांसद से मार्मिक अपील करते हुए कहा है कि प्लीज मोदी जी, प्लीज योगी जी, प्लीज स्मृति जी, हमारी मदद की जाए। सर, मुझे यहाँ खाना दिया जाता है, न तनख्वाह दिया जाता है। सर, मैं मर जाऊंगा सर। यहाँ पे मुझे पुलिस वाले इतना मारते हैं सर कि मेरा जीने का दिल नहीं करता। मैं अपना इंडिया वापस आना चाहता। मुझे मेरा हिंदुस्तान बहुत प्यारा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत गरीबों की बहुत मदद करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बहुत गरीबों की मदद करते हैं। हमारी सांसद स्मृति ईरानी जी, उनसे अपील है मेरी, मुझे यहाँ से निकाला जाए। जानकारी के अनुसार पीड़ित मोहम्मद अनीस ड्राइवर के वीजे पर इसी वर्ष 18 जनवरी को मुंबई से बाय फ्लाइट कुवैत पहुंचा। उसे एजेंटों ने यह वीजा दिया। कुवैत पहुंचकर उससे घर की साफ सफाई का काम लिया जाने लगा। आखिर 6 महीनों से प्रताड़ना बर्दाश्त करते हुए अब अनीस ने एक वीडियो जारी किया है। जारी वीडियो में अनीस कह रहा है कि 18 जनवरी को कुवैत पहुंचा तो एजेंटों ने फंसा दिया। ना यहां मुझे खाना दिया जाता है, ना तनख्वाह दी जाती है। मैं मर जाऊंगा। मैं अपने इंडिया वापस आना चाहता हूं। मुझे अपना हिंदुस्तान बहुत प्यारा है। पीड़ित के पिता मोहम्मद अमीन ने बताया कि उनके बेटे की मुंबई से फ्लाइट थी, 18 जनवरी को ड्यूटी पर चढ़ा, तब से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। उससे 24 घंटे काम लिया जा रहा है, तनख्वाह नहीं दी जा रही, एक एक हफ्ते खाना नहीं दिया जा रहा। मेरा लड़का मरने की कगार पर है, आधा हो गया मेरा लड़का। माँ रोकर बोली, सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारा लड़का वापस आ जाए। पीड़ित की पत्नी सफीना बानो बताती हैं कि उसके एक 4 साल की आरिफा है और गोद में एक बच्चा है जो अभी 1 माह का हुआ है। पति अनीस से रोज बात हो रही है, बस यही कह रहे हैं हमें बुलवा लो, ये लोग मार डालेंगे। मेरे पापा का मोबाइल नंबर है 9849444959। मेरा यहाँ कुवैत का नंबर है 9983706। सर, मैं कुवैत आरदिया प्लॉट नंबर 11 गली नंबर 3 घर नंबर 24 में हूँ। सर, मैं 18 जनवरी को यहाँ आया था। सर, मुझे यहाँ एजेंटों द्वारा फंसा दिया गया है। सर, मुझे यहाँ खाना दिया जाता है, ना तनख्वाह दिया जाता है। सर, मैं मर जाऊँगा सर। यहाँ पे मुझे पुलिस वाले इतना मारते हैं सर कि मेरा जीने का दिल नहीं करता। लेकिन सर, मेरा अच्छा, ठीक है, घबराइए नहीं। तो आप लोग सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार से हम यही चाहते कि हमारा लड़का वापस आ जाए। सर जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन जी, आपका जो बेटा है कुवैत में, क्या है उसकी पूरी क्या समस्या है? सर, 19 जनवरी को यहाँ से गया है, मुंबई से उसकी फ्लाइट थी और 18 जनवरी से ड्यूटी पर चढ़ा है, तब से उसका प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके साथ गंदी हरकतें की जा रही, लैट्रिन बाथरूम तक धुलाया जा रहा, पूरा घर धुलाया जा रहा है, 24 घंटे से सेवा ली जा रही, तनख्वाह उसको नहीं, एक एक हफ्ते उसको खाना नहीं दिया जा रहा और उसको मारा पीटा जा रहा उसके। क्या नाम है आपका? सफीना। ये बच्चे, इनका क्या नाम है? कितने साल की है ये? 4 साल। और ये जो छोटा बाबा है? 3 तारीख को, 1 महीने का। 3 तारीख को। अच्छा, जो आपके पति हैं अनीस जी कुवैत में, उनसे आपकी कब बात हुई थी? पहले होती है। क्या कहते हैं वहाँ से? बताते हैं कि वहाँ से मरवाते हैं, दिक्कत परेशान।